नहीं आप जो ये अभी चीज आ रही है आ गई, ये औरत है बेटा जी, 33 से 34 साल की औरत है, बच्ची है गोद में। कुलदेवी कौन है तुम्हारी? शिक्षा माता रास्ते इतनी है ना बंदे कर रखे हैं। शीतला माता होते हुए भी रास्ते में जो रखे हैं मेरे, शीतला माता तो यही रास्ते बोलने वाली। मेरे ससुराल में ना कम जाते हैं, कम मानते हैं, कुछ चीज नहीं मानते। कविता जी, बाबू जी औरत आई है, बच्ची गोद में है इसके, आपके परिवार से बता रही है ये। मेरे से कई बार हो गए, कई जगह मुझे। हाँ हाँ, तो ये 7 बजे तो लगी हुई है। और भी कुछ है बेटा जी? अभी तो मुझे यही दिख रही है, ऊपर से जो शीतला माता है उनकी तो वो तो है चौराहे वाली, चौराहे जगह हुआ है। एक हमारे मेरा दुर्गा माता का आता है, मैं कई जगह गई हूँ, मैं बालाजी गई हूँ कई बार, बालाजी में मेरे साथ भागी सवारी अभी नहीं है। ये क्या है जो मुझे बता रही हूँ ना मैं, ये आपकी कुल देवी का रूप लेकर के आ जाती है, लेकिन है ये जो औरत है बच्चा है इसके गोद में लड़की, ये शक्तियों को अलग करना पड़ता है बुरी चीजों को। कुछ गलत चीज तो है साथ में। हाँ, तो अभी मैं बता रही हूँ वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद भगवती की सवारी आपको मिलेगी। और कई चीजें छूटी हुई है घर पे भी, मेरे बेटे पे, मेरे बेटे के। कोई नहीं, मैं एक ही बार में कर दूंगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करो तो लेके जाना, वरना मत लेके जाना। वो बता रही है दीदी। हाँ बेटा क्या हो गया मम्मी को? उनको ना वो ऐसे ही चक्कर वक्कर आने लग गए थे पैर में, काफी 3-4 बार चोट लग गई। तो फिर मैं पहले तो मेरे पास रहती थी, फिर मेरे जेठ जी के पास रहती सेक्टर 3 का, तो वहाँ पर ये गई है तो सारे टेस्ट करा लिए, कोरोना का क्या हर चीज़ का। कह रही मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत है, वो भी करा लिया, सब चीज़ ठीक है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि माता जी आप ना किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो, अगर आप ये ऐसी टेंशन लेते रहो ना तो आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। डॉक्टर ने मम्मी को ही सीधा बोल दिया, तो उन्होंने उसकी भी टेंशन ले ली। तो अब है ना नमक, मैंने वो ज़्यादा नमक खा रही थी तो नमक बिल्कुल कम करा दिया, तो नमक तो उसके बगैर वो खाना ही नहीं खा रही कुछ भी, मतलब इतनी रोटी खा रही है कुछ भी। और कह रही है कि मेरे को मतलब जब कोई भी आए रोने लग जाती है, मतलब तो हम भी जाते हैं तो रोने लग जाती है, पता नहीं क्या हो गया। पहले मेरे साथ रहती थी, अब सेक्टर 3 8 नंबर में रहती है, जेठ जी के घर में। अच्छा, मेरा एक कमरे का रूम है ना। अच्छा, तो कोई नहीं कविता जी, परेशान होकर मैं बोला
माता जी के चरणों में जाऊंगा, अगर चला लेंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी आप भी जानते हो बाहर जो चल रहा है, तो थोड़ा सा हम भी परेशान हो जाते हैं। मैडम को देखने में थोड़ी दिक्कत है, हमको भी। अच्छा, देखने में दिक्कत है? नहीं ऐसे तो ठीक है, मतलब की नजर कमजोर है? नहीं नहीं, आप देखो उनको। अच्छा वैसे ही देखो। अच्छा नाम क्या बताए? अर्पना सर। अर्पना, फोटो दिखाना। आप वो नहीं, 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 आ